गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज अपन अपना लॉजिकल रीजनिंग में ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट बोले तो कुछ याद करने का नहीं है, ये प्योरली लॉजिकल बेस्ड है। जैसे मिरर इमेज में अपन को याद करना पड़ता है कि कौन टेढ़ा हो रहा है कौन टेढ़ा नहीं हो रहा, अपन को वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इसके अंदर अपन को कुछ ध्यान नहीं रखना, अपन को राइट लेफ्ट ध्यान रखना पड़ता है अल्फाबेट टेस्ट के अंदर। पर ये जो हमारा ग्रुपिंग है इसमें हमें कोई रूल ध्यान नहीं रखना, कोई पैटर्न ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ इसमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कोई ना कोई, जैसे ये फिगर दे रखी, कितनी 9 फिगर्स दे रखी है, और आपको फिर बोला कि तीन तीन की कैटेगरी बनाओ, तीन तीन की कैटेगरी बनाओ। मतलब तीन, ये देखो ये दो, इसका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब है ये तीन एक कैटेगरी के हैं, फिर ये अपना ये वाला सिंबल आ गया, फिर ये तीन एक कैटेगरी के हैं, और फिर ये एक तीन एक कैटेगरी के हैं। मतलब हमें इन 9 फिगर्स में से तीन तीन को कैटेगरी में करके जो सही आंसर है उस पे टिक करना है। समझ रहे हो, अपन को 9 में से जो सही कैटेगरी है उनको टिक करना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सीधा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने को, अपना ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इनमें से कौन से सेम लग रहे हैं दिखने से। देखो भाई, मेरे को जो दिखता है कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, एक कैटेगरी तो इनकी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ये तीनों स्क्वायर हैं और बाकी कोई सा भी स्क्वायर नहीं है। तो 147, 147 में ये भी 147 का है, ये भी 147 का है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब देखो आगे, अब क्या दिख रहा है, अब ना ये 9 6 2 296 एक कैटेगरी के दिख रहे। क्यों दिख रहे हैं? तीनों यार ट्राइंगल करके कुछ हैं। तो 296 देखो, 269 296, रैंडम कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी के अंदर है ना, सेम कैटेगरी के अंदर है ये। चाहे तुम इसको 962 लिखो या 629 लिखो या 269 लिखो, है सेम कैटेगरी में। तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अपना सी। आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आंसर क्या लिखा है ये देखो, इधर देखो आंसर क्या लिखा है, सी। ठीक है, अब देखो अपन ने ये कर लिया, बस इसमें यही अपन को आगे करना है, यही अपन को आगे करना है। अब देखो ये क्या लिखा है, सेलेक्ट द फिगर, सेलेक्ट द गिवन फिगर्स इनटू थ्री सेक्शन यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। अभी देख लेते हैं अपन। अब देखो अपन को इसके अंदर भी कैटेगरी बनानी है, पर इसमें ओ मिसिंग फिगर्स, समझ रहे हो, टोटल 9 ऑप्शन होने चाहिए थे, तभी तो तीन तीन की कैटेगरी बनते हैं, तभी तो तीन तीन की कैटेगरी बनते हैं। ये जो अपना लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अपनी मॉड्यूल में गिवन है ना, इसमें फिगर्स ही मिसिंग कर रखी है, तो इस क्वेश्चन को नहीं करना। जो भाई 6 फिगर दे रखी है और नीचे पूछ रहा है 9 फिगर्स का क्लासिफिकेशन, बाकी 3 फिगर का है, 3 फिगर मिसिंग है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इसके साइड में मिसिंग फिगर लिख रखा है। आगे चले, आगे चलो, आगे चलो, इस पे क्या लिखा है। अब देखो इनको बाइफरकेट करना है, इनको क्लासीफाई करना है। अब एक बार अपन इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। किस बेसिस पे क्लासीफाई करना है, अपन को खुद दिमाग लगाना है इसका, ये क्या किस किस के पेयर बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़े, अ सीरीज ऑफ फिगर्स आर गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इन टू क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप्स इन टू विच द फिगर्स कैन बी क्लासीफाइड फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वही कर रखा है, तीनों को क्लासीफाई कर रखा है। तो अब देखो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन से उठा के चेक करें, पहले 148 एक वो दे रखा है, 148 को चेक करते, देखो 148 किसी एंगल से कुछ बन रहा है क्या। यार वन ट्राइंगल है, फोर सर्कल है, एट अपनी अलग ही पैटर्न चल रहा है, कुछ पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है। 148 में तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, कैसे बन रहा है? ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, और इसका अपना अलग ही फिगर चल रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको अपन ने काट दिया। अब अपन आगे चले। हाँ तो देखो वीडियो पॉज हो गई थी, पहला वाला तो हो नहीं सकता, 148 में तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। 148 का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोबारा देख लो।
1 4 8 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। फिर अपन ने अगला ऑप्शन देखा, अगले ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 4 6 को देखो। 1 4 6 को जब मैंने 1 4 6 को देखा तो मेरी दिमाग की बत्ती जली। दिमाग की बत्ती ने क्या बोला, दिमाग की बत्ती ने ये बोला, यार कुछ तो सही, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है, ट्राइंगल इधर भी डबल हो रहे, सर्कल इधर भी डबल हो रहे हैं, और हेक्सागन इधर भी डबल हो रहे हैं, तो पैटर्न तो है भाई, मानो या नहीं मानो पैटर्न तो बन रहा है, पैटर्न तो बन रहा है, ठीक है। फिर अपन ने इसको वेरीफाई करने के लिए आगे पढ़ा, आगे क्या लिखा है, 258, 258, 258 देखो, 258 देखो, 258, 258, यार मतलब ये तीनों टेढ़े मेढ़े फिगर, और फिर ये सर्कल वाला फिगर तो अलग से ही दिख रहा है, ये सर्कल वाला फिगर तो अलग से ही दिख रहा है, तो इसका मतलब अपन ने इसको तीन पेयर में तीन तीन को क्लासिफाई कर दिया, और अपना आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। बस क्लासिफिकेशन करना है, कुछ बच्चे इतने सारे फिगर देख के घबरा जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है, पर अपन को घबराना नहीं है, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, अपन को सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है। अब देखो मेरी बात, इसमें तुम बिना देखे कुछ चीज़ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कैसे होगी, ऑब्जर्व प्रैक्टिस से होगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप ऑब्जर्व होगी। इस सर्कल के अंदर सर्कल नीचे रखा, ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर नीचे रखा हुआ है, सर्कल के अंदर सर्कल डार्क होके रखा हुआ है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल डार्क होके रखा हुआ है, मतलब इन तीनों का पैटर्न है। इसके अंदर सर्कल के बीच में सर्कल डार्क होके रखा हुआ है, ट्रायंगल के बीच में सर्कल डार्क होके रखा हुआ है, और स्क्वायर के बीच में सर्कल डार्क होके रखा हुआ है, मतलब इन तीन का पैटर्न है, इन तीन का पैटर्न है, और बाकी तीन का पैटर्न है, मतलब 138 का पैटर्न है। 138 कहाँ पर है, 138 इधर है, आंसर हो गया अपना डी। कुछ भी नहीं करना, पैटर्न फॉलो करो, पैटर्न फॉलो करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही इसका फंडा है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इसमें पैटर्न सोचो, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, पहले तो देखो कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, ट्राइंगल है अपने पास एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, स्क्वायर अपने पास दो है, अपन को वही तीन तीन का पैटर्न देखना है। अब देखो इसमें कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, मतलब देखो एक तो 4, 1 5 और एक मेरे को 9, ये तीन तो मेरे को एक जैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यार इन तीनों में है ना ये वाला, ये जो एरो वाला पैटर्न है कॉमन है, पर फिर भी मेरे को बाकी किसी में कुछ सूझ नहीं रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके आंसर्स को रेफर करके फिर अपना दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि कभी कभार होता है नहीं आएगा समझ में, तो आंसर्स को रेफर करता हूँ, पर रुको मैं दोबारा इसको देख तो लूँ एक बार, चलो ठीक है आंसर्स को रेफर करो, आंसर्स को रेफर करो, क्या लिखा है, 178, 178, 178 देखो, 178, अरे कुछ भी हो रहा है नहीं आया समझ में, दोबारा नहीं, इसके नीचे वाले को देखो, 189, 189, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब तुम देखोगे ना तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कि क्योंकि ये तुम, ये अपन क्या कर रहे हैं, ये अपनी ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी है इस पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करना, इसके शेप से ऑब्जर्व करना, पर इस क्वेश्चन में शेप अपन को धोखा दे रहा है, जैसे अपन ने इधर करा था ना कि शेप के अंदर शेप, तो इस क्वेश्चन में शेप अपन को धोखा दे रहा है, और ये क्वेश्चन ट्रिकी हो गया, इसको जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इधर शेप ने अपन को धोखा दे दिया, इसकी रीजनिंग का ट्रिक मेरे को भी नहीं आया था ये हो क्या रहा है, पर जब मैंने इसका आंसर पढ़ा तब मेरे को लगा यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, डॉट्स आंसर है, मतलब देखो इसमें कितने डॉट है, इसमें कितने गोले, एक इसमें कितने गोले, एक इसमें कितने गोले, दो इसमें कितने गोले, तीन इसमें कितने गोले, एक इसमें कितने, तीन इसमें कितने, तीन इसमें कितने, दो इसमें कितने, दो, मतलब ये जो दो वाले तो है अपने पास तीन, और ये तीन वाले है अपने पास तीन, और एक वाले है तीन, समझ रहे हो, इसमें गोलों का चक्कर है, शेप ने अपन को धोखा दिया, अपन शेप के पीछे पड़े रहे कि ये एरो बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, पर इसमें क्या चक्कर था, इसमें अंदर के डॉट्स का चक्कर था, समझ गए ना,
कि भाई इसमें दो डॉट है और दो डॉट किस में है, दो डॉट देखो किस में, इसमें दो डॉट है, इसमें दो डॉट है, तो पेयर क्या बन गया, 189। आंसर देखो क्या है, आंसर क्या है, 189 बी आंसर है। देखो बी, और इसमें क्या रीजनिंग लिखी हुई है, डॉट्स वाली रीजनिंग लिखी हुई है, तो इसमें शेप ने अपन को धोखा दिया है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यार इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो एक दो चैप्टर है ना इनके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ये तो अपन को बस दिख रहा है और अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलो, इसके अंदर ग्रुपिंग करनी है, इसमें ग्रुपिंग कैसे होगी, अब दोबारा अपन देखते हैं कि कैसे हो सकती है। कुछ बन रहा है क्या, ये ए है, ये एक दो बॉक्स है, ये आई है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये ई बन गया, ये पी बन गया, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो अपन को समझ नहीं आया। अपन आगे पढ़ते हैं, 1 3 4, 1 3 4। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेप धोखा दे सकती है, वैसे ये साइड का क्वेश्चन है। साइड का कैसे, इसमें कितनी साइड है, ये तो यार अपन को दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने वैसे भी कर लिया था कि इसमें कितनी कितनी लाइन से बन रहा है, ये 3 लाइन से बन रहा है, और ये कितनी लाइन से बन रहा है, 1 लाइन 2 लाइन, ये भी 3 लाइन से बन रहा है, और ये कितनी लाइन से बन रहा है, ये भी 3 लाइन से बन रहा है, और कोई फिगर ही नहीं है जो कि 3 लाइन से बन रही हो, तो पेयर क्या बन गया, पेयर बन गया 1 3 4, पेयर क्या बन गया 1 3 4। ये अब देखो 2 5 लाइन चेक करो, ये कितने लाइन से, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 5, देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, और 9 देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो मतलब ये लाइनों का पैटर्न है। देखो रूल नंबर 1 तो अपन शेप को देख के ऑब्जर्व कर लेंगे, साइड को देखकर ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके अंदर कोई बॉक्स रखा है, कोई गोला रखा है, कोई सर्कल रखा है, उसको देख के ऑब्जर्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमने फॉर्मूला लगाया और सारे क्वेश्चन हो गए। मैं आपको जो शीट दूंगा ना प्रैक्टिस की, मेरे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो यार मेरे को देखते ही कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये एक कैटल है जिसमें अपन चाय वाय सर्व करते हैं, ये वाली भी कैटल है जिसमें अपन चाय वाय सर्व करते हैं, और ये वाली भी कैटल है जिसमें अपन चाय वाय सर्व करते हैं, और देखो ये कुछ सिलेंडर टाइप लग रहा है, ये भी कुछ है, पर एक बार अपन को कैटल आइडेंटिफाई हो गई, बाल्टी टाइप इन सबके ऊपर पकड़ने का है ना, तो ये बाल्टी अपन को आइडेंटिफाई हो गई, तो 258, 258, एक तो इस ऑप्शन में 258 है, और आगे देखो आगे किसी ऑप्शन में 258 है क्या, 258 है, अरे इसमें भी 258 है, तो अपन को अभी तक पूरा आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब अपन इसको देखते हैं, 169, 169 कुछ बन रहा है क्या, 1 तो ऐसा है, 6 ऐसा है, 9 ऐसा है। अब देखो मेरी बात, एक चीज अपन को और दिख रही है, और देखोगे ढंग से तो दिख रही है, ये जो ऐसी वाली शेप है, ये ऐसी वाली शेप, ये एक तो इसमें बन रही है, ये एक इसमें बन रही है, और ये वाली शेप अपन को इसमें भी बन रही है, तो क्या बन रही, 369, 3 6 और 9 का एक पैटर्न बन रहा है जो कि इसमें है, तो ऑप्शन ऑप्शन हो गया ये। ये सब माइंड का गेम है, पैटर्न ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना, तुम्हें 9 चीजें दे रखी है, उनको ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपना दिमाग लगा के आंसर लाना, ये सब आ जाएगा। एक एक दो दो बार मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में छप जाएगा, इनमें होता क्या है, यही तो है, साइड दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इनको और क्या आता है, कुछ नहीं आता। अब देखो मेरी बात, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो फिगर कुछ मिसिंग तो नहीं है, अ सीरीज ऑफ फिगर आर गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, फ्रॉम द रिस्पॉन्स सेलेक्ट द ग्रुप्स इनटू विच द ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड। इसमें ग्रुपिंग कितने की, 3 3 1 2 2 3, ठीक है ग्रुपिंग कर रखी है, 7 फिगर्स की ग्रुपिंग कर रखी है, कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मेरे को इसमें ये दिख रही है कि इसमें वी बना हुआ है और इसमें वी बना हुआ है, तो ये 1 और 3 का तो एक ग्रुप है, 1 और 3 का तो एक ग्रुप है, 1 और 3 का तो एक ग्रुप है, 1 और 3 का ग्रुप इधर है, 1 और 3 का एक ग्रुप है, ठीक है। अब देखो एक और चीज साफ साफ दिख रही है, ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर सर्कल है, और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, तो एक ग्रुप हो गया 2 4 5 का, एक ग्रुप हो गया 2 4 5 का, और फिर जो बचा हुआ ग्रुप कितना है कि इसके अंदर इन लोगों ने एक
तरीके से स्क्वायर को बांट रखा है चार पार्टों में या सर्कल को बांट रखा है, तो एक ग्रुप क्या हो गया, 6 और 7, ये वाला तो हो गया। मेन दिक्कत मेरे को पर्सनली किसमें आई थी, वो जो गोले वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर गोला अंदर था, वो पैटर्न मेरे से आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, बाकी सारे पैटर्न मेरे से बिना देखे आइडेंटिफाई हो गए थे। अब इसको देखो, इसके अंदर भी अपन को क्लासीफाई करना है। पहले अपन ऐसे ही क्लासीफाई कर लेते हैं। यार मेरे को इसमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है। अंदर से देखो इनका डिजाइन देखो, 1 2 5 सेम है। मैंने अभी तक पीछे देखा नहीं है क्या होगा, मेरे को नहीं पता। देखो 1 2 3 5 में तो शेप ऐसे आ रहा है, ये जो 3 7 8, 3 7 8 में अपना शेप आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये तो अंदर की साइड आ रहा है और ये बाहर की साइड आ रहा है, और बचा क्या, बचा क्या इसमें, ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है 4 6 9 में। यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बिना देखे तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर देख लेते सही है नहीं। 1 2 5 3 7 8, 1 2 5 3 7 8, ये वाला आंसर है। आंसर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अब देखो आगे चलो, ग्रुपिंग करनी है बस, और कुछ भी इस क्वेश्चनों में नहीं करना। आगे चलो, आगे क्या दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ग्रुपिंग करनी है, इसमें क्या करना है, अ सीरीज आर गिवन विच कैन बी क्लासिफाइड इंटू क्लासेस, फ्रॉम द रिस्पॉन्स सेलेक्ट द ग्रुप इंटू विच द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड। इसमें है ना ऑप्शंस गायब कर रखे, पर हमें क्या, हमें तो ग्रुप बना के छोड़ना है, हमें ऑप्शन से क्या मतलब है। तो एक्स बन रहा है, जेड बन रहा है, वी बन रहा है, दो ग्रुप तो ये बन रहे हैं, दो ग्रुप तो ये बन रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ। देखो एक तो मेरे को 7 और 8 का ग्रुप दिख रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से रेक्टेंगल टाइप है, एक ग्रुप तो मेरे को ये दिख रहा है। उसके बाद मेरे को ग्रुप कौन सा दिख रहा है, उसके बाद मेरे को देखो, इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की, जो सॉल्व नहीं हो रहे। जैसा इसके पिछले वाला क्वेश्चन था ना, वो वाला जिसमें अपन को ABCD टाइप पूरे दे रखा है, देखो जब भी फिगर बहुत साफ सुथरा दे रखा हो, मतलब नीट एंड क्लीन दे रखा हो, तो समझना कि वो साइड का कोई ना कोई तुम्हें इशारा कर रहा है। अगर फिगर इतना गंदा दे रखा हो ना, तो कभी साइड का इशारा नहीं करेगा, पर फिगर अगर इतना साफ सुथरा दे रखा है, तो वो तुम्हें साइड का इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ साइड का चक्कर है। तो इसमें फिगर काफी साफ सुथरा है, तो इसमें साइड का चक्कर है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इसमें कितनी है, दो, एक एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें कितनी है, दो, इसमें कितनी है, दो, ये तो दो तो सारी हो गई। इसमें कितनी है, तीन, इसमें कितनी है, एक, दो, इसमें तीन, इसमें कितनी है, तीन, इसमें कितनी है, चार। ये क्या हमें क्या सजा के दिया है क्या इसने, कि आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो और नंबर ले जाओ। साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 पेयर, 4 5 6 पेयर, 7 8 9 पेयर, समझ गए। आंसर हो गया हमारा, जो भी पेयर आंसर क्या है, 1 2 3 पेयर है, एक एक 4 5 6 पेयर है, और एक 7 8 9, तो अपना आंसर हो गया ये वाला, समझ गए। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ग्रुपिंग बहुत ईजी है, अपन ने ग्रुपिंग समझ ली कैसे करते हैं। अब देखो मेरी बात, इसमें क्या ग्रुपिंग दे रखी है, इसमें तो मैं दोबारा दिमाग बिना देखे ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि इस क्यूब के अंदर एक फिगर दे रखा है, तो ये कुछ बन रहा है, इसके अंदर एक फिगर दे रखा है, तो ये कुछ बन रहा है, और इसके अंदर फिगर दे रखा है, तो ये कुछ बन रहा है। तो एक तो ग्रुपिंग मैंने इनकी कर दी। अब देखो इसके, इन तीनों के अंदर, ये जो तीन है, इन तीनों के अंदर ही इनको चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो इसका पेयर हो गया। और देखो इन तीनों के बाहर कोई ना कोई अजीब सा फिगर दे रखा है। यार ये तो मैं सब बिना देखे बता रहा हूँ कि एक पेयर इसका हो गया, दो पेयर इसका हो गया, और तीन पेयर इसका हो गया। अब देख लेते हैं आंसर, 1 6 1 3 9, 1 3 9, 1 3 9। आगे देखो 1 3 9 के बाद देखो 2 5 6, 2 5 6 और 4 7 8, 4 7 8 कहाँ पर है, 4 7 8 इनके बाहर फिगर बन रहा है, 4 7 8 के बाहर फिगर बन रहा है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। अपन ने ग्रुपिंग इसमें से कर ली। अब मेरी बुक में से देख लो, मेरी बुक में भी क्या दे रखा है ग्रुपिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें ग्रुपिंग के अंदर भी वही चीजें दे रखी है, पर थोड़ी अच्छे लेवल की, अच्छे लेवल की कैसे है करोगे तो समझ में आएगा। अब इसमें क्या ग्रुपिंग दे रखी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुपिंग दे रखी है कि यार ये तो तीन पत्तियों की ग्रुपिंग है, तीन पत्तियों की ग्रुपिंग है, तो ये तो एक पेयर बन गया, इसमें मैं निशान नहीं करना चाह रहा। तो अपना 3 6 7, 3 6 7 देखो ये पेयर बन गया, तो आंसर 3 6 7, 3 6 7, 3 6 7।
अपना पेयर ये बन गया। बाकी ये ट्राइंगल में कुछ ना कुछ हरकतें कर रखी, ये ट्राइंगल पे कुछ ना कुछ हरकतें कर रखी है, और ये भी ट्राइंगल टाइप पे कुछ ना कुछ हरकतें कर रखी है, तो एक पेयर ये बन गया। और बाकी तुम इसको मान लो, ये तो देखो हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर स्पेयर ऐसे करके अपना आंसर क्या हो गया ये। तो ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करना है, जो कि बहुत आसान है, एक बार आ गई तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन दो तीन क्वेश्चन और देखें क्या? चलो देख लेते हैं दो तीन क्वेश्चन और, मैं एक बार देखूँ इसमें से कौन से हैं। इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं। अरे ये देखो ये क्या है, अपनी मॉड्यूल वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल वाले ने भी इसी बुक से लिया है, मॉड्यूल वालों ने भी इसी बुक से लिया है। ये वाला भी देखो अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन। तो यार ये सब तुम अब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी वही है कि इसमें 8 फिगर है, इनको पेयर में करना है, ये अपन कर लेंगे। तो अपन ने देखो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सब लोग आप लोगों को करनी है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाने का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट समझाने में मैंने कोई गलती नहीं करी, इसमें कोई वैसा क्वेश्चन तो बनता नहीं है थ्योरी बेस्ड का, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो बनता नहीं है, तो आपको अपनी रीजनिंग से लेना है। तो अपन ने ग्रुपिंग चैप्टर भी कर लिया, ये नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, नीचे लिंक दे रखा है, नीचे नंबर दे रखा है व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप नंबर ही है, कुछ लोगों को लगता है इंटरनेशनल नंबर है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।